बिहान की रसोई 100% वेज आज आप सभी के लिए बना रही है मेथी की पूड़ियाँ। मेथी की पूड़ी से जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं, आप वहां से भी देख लीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल अरिहंत की रसोई 100% वेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और हो सके तो दोस्तों सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दीजिए। ये सभी कुछ पूरी तरह से फ्री है, आपको पता ही है। और हाँ, आप अरिहंत की रसोई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मेथी की पूड़ियाँ बनाने के लिए ये मेथी ली हुई है मैंने, ये लगभग 150 ग्राम पत्ते हैं मेथी के, जिसे मैंने, ये देखिए ये मेथी है और इसके ऊपर ये हैं जड़ें, ये पत्ते हैं। तो ये पत्ते मैंने इस तरीके से ये तोड़ लिए हैं, ये इस तरीके से, ये सिर्फ पत्ते पत्ते, डंडी की हमें ज़रूरत नहीं है पूड़ियाँ बनाने में। तो इस तरीके से ये पत्ते मैंने तोड़े हैं और फिर चाकू की मदद से इन्हें इस तरीके से बारीक काट लिया है, ये देखिए। तो ये 150 ग्राम है मेथी के पत्ते। ये आटा है, गेहूं का आटा लिया हुआ है, ये लगभग 200 ग्राम आटा है। तो 200 ग्राम आटा और 150 ग्राम पत्ते। अब इस आटे में मैं कुछ बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूंगी जो हम सबके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। ये पूड़ियां बनाने के लिए मैं इसमें एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालूंगी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच मोटी वाली सौंफ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर चौथाई छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई छोटा चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स आप ध्यान से सुनिएगा, ये पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक डालिएगा, मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये 2 चम्मच के करीब तेल, इसको खस्ता बनाने के लिए, मोयन के लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से जैसे इसमें ये गांठें जैसी आने लगती हैं, जिससे खूब खस्ता पूड़ियाँ बने। आप चाहें तो 200 ग्राम आटे में 2 बड़े चम्मच बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसन मिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गेहूँ के आटे से ही बना रही हूँ ये पूड़ियाँ। अच्छी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी ये मेथी के बारीक कटे हुए पत्ते। आप अरिहंत की रसोई 100% वेज को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे पत्तों को मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, इससे लगभग 20 पूड़ियाँ बनेंगी मीडियम साइज की। ये देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो बनाएंगे। ये डो ना बहुत टाइट होगा
और ना बहुत ही सॉफ्ट होगा, एक नॉर्मल डो। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इस पूरे आटे को गूंद लूँगी। एक साथ पूरा पानी कभी मत डालिएगा ज़्यादा, अगर आपको आदत नहीं है खाना बनाने की रोज़ में, क्योंकि ये बहुत अभ्यास और अंदाज है। ये देखिए ये धीरे धीरे हम इस डो को गूंद लेंगे। ये देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है, ना बहुत सख्त और ना बहुत सॉफ्ट। अब इसकी मैं इस तरीके से ये छोटी छोटी लोई या पेड़ा बना लूँगी। एक और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ये पूड़ियाँ तलने के लिए तेल गरम कर रही हूँ मैं। जब तक अच्छी तरह से तेल गरम ना हो जाए पूड़ियाँ कभी मत डालिए, वरना वो फूलेंगी नहीं, कड़ी हो जाएंगी, खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगी। ये इस तरीके से देखिए मैंने ये लोई तैयार कर ली है। अब मैं इनमें तेल लगाऊंगी, लोई में मैं इसे तेल लगा कर ही बेलूंगी, इसमें आटा नहीं लगाऊंगी। आप भी जब भी कभी पूड़ियाँ बनाएं या कचौड़ी, कोशिश करिए कि आटा मत लगाइए बेलते समय, जिससे आपका बचा हुआ तेल भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे भी बचे हुए तेल को बहुत दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी ये सभी पूड़ियाँ बेल लेंगे, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। आप इसे किसी भी मनपसंद चटनी, गर्मा गर्म चाय या फिर कोई भी अपनी पसंद की सब्जी के साथ खा सकते हैं। कुछ सब्जियां मैंने आपके साथ शेयर करी हुई हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रीन चटनी सिंपल सी लेकिन तीखी सी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिएगा। गैस की फ्लेम फुल पे है, फुल पर ही पूड़ियाँ अच्छी सिकती हैं, स्लो पर पूड़ियाँ अच्छी नहीं सिकती हैं, ठीक से फूलती भी नहीं है। तो ये हमारी कुछ पूड़ियाँ बेल गई हैं और ये तेल भी हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देख लेते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छा तेल गर्म हुआ है। ये देखिए ये फूली फूली पूड़ियाँ हमारी बन रही हैं। इसका आप पराठा भी बना सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। ये देखिए कैसे फूल रही हमारी सारी पूड़ियाँ। आटा गूंदते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से मल करके गूंदिएगा, जिससे पूड़ियाँ अच्छे से फूलें। अगर बहुत ज़्यादा सख्त डो हो जाएगा तो हो सकता है कि आपकी पूड़ियाँ फूलने में दिक्कत हो। देखिए यहाँ ये पूड़ियाँ सारी कैसे फूल रही हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। मैं इसे यहाँ पर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये देखिए सारी पूड़ियाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए
कितनी अच्छी ये सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। आटा गूंधते समय जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मेहनत के साथ आटा गूंधिएगा। जितना अच्छा आपका आटा गूंधेगा उतनी ही अच्छी आपकी ये पूड़ियाँ फूलेंगी। इसलिए थोड़ा सा हाथों को कसरत करने दीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी, गैस की फ्लेम फुल पर रखिएगा सेकते समय। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी, ये खस्ता पूड़ियाँ मेथी की आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप इन इस आटे के संग आप पराठा भी बना सकते हैं। इन पूड़ियों को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद अपने वर्किंग प्लेस पर भी ले जा सकते हैं। ये देखिए उलट पुलट कर मैंने ये सारी पूड़ियाँ सेक ली हैं। ये देखिए मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। ये देखिए ये सारी पूड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ये फूली फूली बनी हैं ये सारी पूड़ियाँ। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता पूड़ियाँ हैं। जल्दी आपसे नई रेसिपी या नए किचन टिप्स के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हेल्थ इज हैप्पीनेस। नमस्कार।